रहने वाला हूँ, वाल्मीकि हूँ जाति का, और मैं कहना चाहता हूँ कि जो मायावती के राज में हमने जो कुछ पाया था वो आज हमें नहीं कुछ मिल रहा है। ये राज में कहाँ कुछ पाया, हमें सब चीज़ की राह मिली, सब चीज़ की सेहत मिली, हर चीज़ से हमें फ़ायदा मिला, और आज हम रो रहे हैं जिंदगी के लिए कि हम क्या करें, कहाँ जाएँ, किधर जाएँ। और समस्या ये है कि हमारे लड़ने के लिए ताकत दी जाए बहन जी को, बहन जी ताकत देंगी तो हम संघर्ष करेंगे। बहन जी की अगर सरकार होती तो आज आप कितने मजबूत? आज बहन जी की सरकार होती ना तो जवाब इस तरीके से लेते हैं। जवाब किससे दिया जाता है? पत्थर से दिया जाता है, और हमारा डंडा जो है बैत का जरूर है, पर ये मुकाबला करता है। सरकार होती और मजबूत होती, और ज्यादा मजबूत होते, ऐसे नहीं कि ये पहाड़ों से भी तेज होते। क्या नाम है? उदय अभिषेक जाटव। बीजेपी सरकार में हमको कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही है, बहन जी सरकार में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम बुजुर्ग व्यक्ति के पास मौजूद है, इनके मन की बात जानेंगे, आकर क्या कुछ है इनको सरकार के प्रति, क्या कुछ है बीएसपी की सरकार को लेकर, क्या कुछ बीएसपी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, बीजेपी के बारे में क्या कुछ जानेंगे। क्या नाम है? मैं कहता हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजमोहन है, बिसावर का रहने वाला हूँ। जाति कौन जाति? वाल्मीकि हूँ जाति का, और मैं कहना चाहता हूँ कि जो मायावती के राज में हमने जो कुछ पाया था वो आज हमें नहीं कुछ मिल रहा है। मायावती के राज में कहाँ कुछ पाया? हमें सब चीज़ की राह मिली, सब चीज़ की सेहत मिली, हर चीज़ से हमें फ़ायदा मिला, और आज हम रो रहे हैं जिंदगी के लिए कि हम क्या करें, कहाँ जाएँ, किधर जाएँ। इसलिए आप लोगों नेतागणों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी हैं अपना एकजुट करें, और ऐसी बेईमान सरकार से हमें बचाएं। तो क्या कुछ परेशानी आ रही है? परेशानी अधिक आ रही हैं। हम किसी समाज में जाते हैं तो वहाँ गल लगता, अभी जी श्री वो आए थे जो वीरेंद्र भीम से, कोई भी आया हो बताइए, और उसके सामने हमें जाने नहीं दिया। क्यों? इसका कारण क्या? इसका कारण यही था कि हम दलित लोगों को चाहते नहीं हैं। मतलब क्या गलत? गलत ये है कि इन लोगों ने गरीब पे पर्चा डाल रखे कि छोटा आदमी सामने आ नहीं सकता। जाति की वजह से? जाति, हाँ, जाति की तरफ से हमको बहुत ही कमजोर समझते हैं। आपकी वाल्मीकि जाति है, इसीलिए आपको नहीं जाने दिया? हाँ, हम वाल्मीकि जाते हैं, नेतागढ़ के पास नहीं जाने, नहीं जाने देते मंच पे। जी, तो आप ये बताइए कि बीएसपी सरकार में ऐसा हुआ होता था आपके साथ? हमारे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। मायावती की सरकार में नेता लोगों के मिलते आप? हाँ, बिल्कुल मिलते थे, डायरेक्ट मिलते थे। कैसे मिलते थे? खूब आ रहे हैं सामने मैच पे बैठ के, गले बगल में बैठ के? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। जा सरकार में आज बीजेपी, आज जा सरकार में अपने अपने भाजपा नेता समझते हैं कि हम लोग गरीब लोगों को तो जान देंगे नहीं वहाँ तक मैच तक, भैया हम नहीं ऐसा सोचते हैं, हम साफ बात करते हैं। हम गांव बिसावर से वाल्मीकि, मेरा नाम ब्रजमोहन है। आपको कमजोर समझा जाता है आपकी? हमको और जाटवों को कमजोर वर्ग में समझा जाता है, धोबी कटी। वाल्मीकि या जाटव? मैं वाल्मीकि हूँ बिसावर से। पहले बीएसपी सरकार में कोई भेदभाव हुआ? नहीं हुआ। 2022 में चुनाव आ रहा है, मुख्यमंत्री को कौन मुख्यमंत्री बनाऊंगा? मैं तो बहन जी को बनाऊंगा। वोट जाओगे आपको खुल के? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हाँ, क्या कुछ उम्मीद है मायावती जब आएगी तो? मैंने मायावती बहन जी के नखलो 3 दफे मैंने रैली करी, 3 दफे मैंने हाथस करी, सिकंदर राव करी, और तुम्हारे जब तुम्हारा ये क्या नाम है शाहबाद के पास गुतहरा भी करी, और गुतहरा के बाद मैंने बिसावर में करी, मदयनगरा में करी, और साहब तुम्हारा एक और गांव रह गया है ये ऊभई भी करी, और ये हमारे क्या कुछ हुआ रामवीर उपाध्याय संघ में, उपनोद उपाध्याय के संघ चलता रहा, चलता रहे, भेदभाव एक बात, कोई भेदभाव नहीं मिला, पर एक बात जरूर थी। क्या थी? क्या थी? कि मुझे राशन कार्ड नहीं दिया था, राशन कार्ड नहीं दिया था, लाल नहीं मिला, लाल। चलो ऐसी तो कोई बात नहीं,
पर और कोई समस्या वैसी? और समस्या ये है कि हमारे लड़ने के लिए ताकत दी जाए बहन जी को। बहन जी ताकत देंगी तो हम संघर्ष करेंगे। बहन जी की अगर सरकार होती तो आज आप कितने मजबूत होते? आज बहन जी की सरकार होती ना तो जवाब इस तरीके से लेती। नीट का जवाब किससे दिया जाता है? पत्थर से। पत्थर से दिया जाता है और हमारा डंडा जो है बैंत का जरूर है पर ये मुकाबला करता है। कर तो मुकाबला मायावती की सरकार होती और मजबूत होती है? और ज्यादा मजबूत होते। ऐसे नहीं कि ये पहाड़ों से भी तेज होते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी आए हैं भाजपा सरकार में ये सब भूत बगर्रा शेर बन के आते हैं। अगर इनको पीछे देखा जाए तो इनके बराबर कोई गंदा आदमी नहीं मिलेगा। कोई गंदा नहीं। नहीं। क्या नाम है आपको? उदयवीर सिंह। कौन जाटव? जाटव। तो क्या कुछ कहना है बीजेपी सरकार में हमको कुछ सुविधा नहीं मिल रही पा रही है बहन जी सरकार में। पेंशन वगैरह ना मिली? कुछ भी नहीं। आवास? कुछ भी नहीं। चलो हाँ बताइए। हमको 2022 के चुनावों में हमको बहन जी लानी चाहिए। हम भरसक प्रयास करेंगे बहन जी सरकार बने। बिल्कुल प्रयास। क्या कुछ काम अच्छा होते? अच्छा सब सुविधा मिलती है हमको। बताइए थोड़ा। जैसे कोई किसी से पुलिस प्रशासन का सबका जो जैसे खरंजा है नल हैं उसके बारे में सब हमारी बहन जी काम जल्दी जल्दी कराती हैं। जहाँ सरकार में सुनवाई होती है? नहीं होती है। जहाँ सरकार बीजेपी सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती है। दलितों को धमकाया जाता है पीटा जाता है। नहीं इससे इस सरकार में दलित की परेशानी और सब दुखी हैं। इस सरकार में बीजेपी सरकार में बहुत दुखी है सब। 2022 में बहन जी को हम वोट देंगे। बहन जी हम 2022 चुनाव में बहन जी को सरकार बनाएंगे और भरसक प्रयास करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ब्रजभवन विसावर से जरूर बोल रहा हूँ। अगर अभी पत्रकार जाके मेरे घर के इंक्वायरी करो तो वो 4 बेटे 1 मकान है मुझ पर। उसमें पूरे ठंडे मैंने पूरे 4 महीना काट दिए ठंडों में 12 मिनट सड़क काट करके। आज तक मेरा क्वार्टर नहीं बना। मैं बाहर रहता हूँ। 2 बहू मेरे घर में। मायावती की सरकार आई तो बन सकता है आपका? हाँ हमारी बहन जी की सरकार आई तो बन जाएगा जी। बन जाएगा जी। यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्तियों ने अपनी बात रखी जाटव समाज से और बाल्मीकि समाज से थे। इनकी बातों पर आपकी क्या कहना है वो कमेंट में राय दें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें शेयर करें। बहुजन समाज की प्रमुखता से खबर दिखाने वाले बी मिशन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए बी मिशन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं हर खबर देखने के लिए।